सिंध में बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो गया। तमाम अजला को बैलेट पेपर्स की तरसील का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मजीद जानेंगे साद बुखारी से। साद बुखारी, आगाह कीजिएगा, सिंध में बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, सूबे भर में बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात वाजे कर दी गई है कि तमाम बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल होने के बाद तरसील का सिलसिला जारी है, जो मुमकिन तौर पर आइंदा 24 घंटों तक मजीद जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर यूसुफ खटक का कहना है कि बैलेट पेपर्स को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में मुख्तलिफ इजला में पहुँचाया जा रहा है और आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चंद रोज कबल एक रिहर्सल भी की गई थी और अब हम देख रहे हैं कि आज पुलिस की जानिब से भी रिहर्सल की गई है और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तमाम इंतजाम मुकम्मल होने के बाद इत्मीनान का इजहार किया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी यही कहते हैं कि तमाम इंतजाम का जायजा लेने के बाद इस बात का को यकीनी बनाया गया है कि इलेक्शन का जो एहतमाम है, जो इंतजाम है वो फुल प्रूफ हों। सिक्योरिटी को भी मुकम्मल तौर पर हतमी शक्ल दी जा चुकी है और तमाम तर हलकों में, तमाम अजला में जो बैलेट पेपर की तरसील है वो आइंदा 24 घंटों में मुकम्मल कर ली जाएगी। सिक्योरिटी के अंतर सख्त इंतजाम रखे गए हैं और सख्त सिक्योरिटी में ये बैलेट पेपर जो है तमाम अजला में पहुँचाए जा रहे हैं। छपाई का काम मुकम्मल होने के बाद अब तरसील का अमल जारी है। तरसील का अमल जारी है। शुक्रिया साद बुखारी आपका।